हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे फोटो एडिटिंग के बारे में। दोस्तों, आप बहुत ही आसानी से ऐसी फोटो एडिटिंग कर सकते हो स्काई और क्लाउड के बीच में। दोस्तों, तो यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए वीडियो को और शेयर करें वीडियो को। यदि हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर ले चैनल को और बेल बटन को जरूर प्रेस कर ले ऐसे वीडियो प्राप्त करने के लिए। तो सबसे पहले आपको एक मोबाइल फ़ोन चाहिएगा दोस्तों और एक रुई चाहिएगी, और उसके बाद आपको ऊंची जगह पर बैठकर स्काई दिखाई दे उस पर आपको पोज ले लेना है। दोस्तों, ऐसा आप देख सकते हो, ऐसे मैं पोज ले रहा हूँ। उसके बाद ये पोज आपके सामने आ जाएगा दोस्तों, तो इसको आपको फिश आर्ट में ओपन कर लेना दोस्तों। यदि आपके पास फिश आर्ट नहीं है तो आपको डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर मैंने ओपन कर लिया है। उसके बाद में आपको कट आउट में जाना दोस्तों और आउटलाइन दूसरे ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, और उसके बाद में इस रुई को सिलेक्ट कर लेना दोस्तों। जहाँ जहाँ आप सिलेक्ट करेंगे यहाँ रेड हो जाएगी दोस्तों। उसके बाद में ऊपर आपको तीर का निशान दिखाई देगा दोस्तों, उस पर आपको क्लिक कर देना दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों आपका स्टिकर क्रिएट हो जाता है, इसको आपको सेव कर लेना है। और उसके बाद में आपको पीछे आ जाना है दोस्तों और फिर से अपनी फोटो ओपन करनी है पीस आर्ट में। तो मैंने ओपन कर लिया। उसके बाद में आपको क्रूब में जाना है और यहाँ पर रोटेट इंस्टाग्राम वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसको क्रूब कर लेना है। उसके बाद स्टिकर में जाना और माय स्टिकर में आपको अपना वो स्टिकर मिल जाता है जो आपने क्रूब किया था, इसको आपको थोड़ा बड़ा कर लेना है जिससे आपके बॉडी का पार्ट नीचे वाला हट लुक जाए दोस्तों। उसके बाद इसको इरेजर की सहायता से आपको इरेज कर लेना है ऊपर का भाग जो भी है, जिससे यह मैच हो जाए बैकग्राउंड में आसानी से। इसके लिए इरेजर में आपको ओपेसिटी हार्डनेस कम कर लेना दोस्तों। इसके बाद यदि कुछ भाग इरेजर हो जाता है गलती से तो आपको रिस्टोर कर लेना दोबारा से पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक करके। उसके बाद में सही वाले निशान पर क्लिक कर देना दोस्तों पूरी एडिटिंग होने के बाद में। उसके बाद फिर से आपको सेव कर लेना है और फिर से आप इसके बाद में फिल्टर पर जाना दोस्तों, आपको इफेक्ट पर, यहाँ पर आपको फिल्टर दे देना है जो भी आपको अच्छा लगे। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार आप फोटो एडिटिंग कर सकते हो बहुत ही आसानी से स्काई और क्लाउड के बीच में दोस्तों। और यह वीडियो आपको पसंद आया होगा आशा करते हैं। इसको आपको सेव कर लेना है अपनी गैलरी में जाके